कहानी का नाम परमात्मा और किसान। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज़ हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज़ हो जाए तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी ख़राब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूँगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूँगा। किसान ने गेहूँ की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं, बेकार ही हमें इतने वर्ष परेशान किया। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूँ की एक भी बाली के अंदर गेहूँ नहीं था, सारी बालियाँ अंदर से खाली थीं। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष का ज़रा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज़ धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास ज़रा भी नहीं होने दिया, इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज़ बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है और उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर पत्थरशाली बनना है तो चुनौतियों तो स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा।